Let me introduce myself. My name is Abdul Wahab. I am MA, MEd, LLB. I have more than 20 years experience, teaching experience and management experience. I am BA tutor at Allama Iqbal Open University and I am professional teacher trainer. इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे किस तरह से ख्याल आया कि मैं अपना YouTube चैनल बनाऊँ या इसके पीछे क्या मेरा मकसद है, क्या सोच है। व्यूअर्स, जब हम अपने माशरे पे गौर करते हैं तो इसमें लातादाद हमें मसाइल नज़र आते हैं। जिस भी शख्स से बात करें वो इन मसाइल का रोना रोता है। हम दिन भर इन्हीं मसाइल पे ही तबादला ख्याल करते रहते हैं। मसाइल का के बारे में बात कर कर के हमारे मिजाज में एक चिड़चिड़ापन नुमाया होता है, लेकिन हम इन मसाइल के हल के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और जो लोग हल के बारे में सोचते हैं फिर वो अमल करने के बारे में कम ही सोचते हैं। तो लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि इन तमाम मसाइल की वजह क्या है। इन तमाम मसाइल की वजह कई एक हो सकती हैं, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा जो मैंने कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा कि सवाल कई एक लेकिन जवाब सिर्फ एक, तालीम। अगर तालीम हो तो हम अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं या उन मसाइल से निकल सकते हैं। तालीम के ज़रिए ही हम में स्किल्स आएंगी और स्किल्स के ज़रिए से हम अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकेंगे, अपनी माशी हालत बेहतर कर सकेंगे, जिससे हम बहुत सारे मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम तालीम को फैलाएं और तालीम को फैलाने में अपना किरदार अदा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ही सिर्फ दूसरों पर तनकीद करते रहें। यही सोच के मैंने अपना यूट्यूब चैनल कायम किया। बकौल शायर, ज़ुल्मते शब के शिकवा से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा खुद ही जलाते जाते। तो लिहाजा मैंने अपने हिस्से की एक शम्मा जलाने की कोशिश की। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि उससे कितनी रोशनी होती है, कितने लोग मुस्तफीद होते हैं, लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैंने अपने हिस्से का किरदार अदा किया या अदा करने की कोशिश की। और बाहैसियत कौम हम सबको भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम सब लोग हल की तरफ लग जाएँ तो हमारे मसाइल ही इतने नहीं होंगे जितने लोग होंगे। तो लिहाजा इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मसाइल का हल क्या है। मेरे नज़दीक तालीम का फ़रोग ही हमारे मसाइल का हल है। और तालीम के फ़रोग में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो लोग कहते हैं कि हमें लीडर अच्छे नहीं मिले, मैं कहता हूँ हमें टीचर अच्छे नहीं मिले। अगर बाहसियत मजमूई हम देखें तो आज तालीम का वो मयार नहीं है, अच्छे टीचर नहीं हैं, अच्छे तालिबे इल्म नहीं हैं। वही जब माशरे में जाते हैं तो उनके पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन उनके किरदार से, उनके अमल से वो तालीम याफ्ता नहीं दिखाई देते। तो लिहाजा अगर हम तालीम को फ़रोग देना चाहते हैं तो हमें अपने सिलेबस को बेहतर बनाना होगा। सिलेबस के साथ साथ हमें अपने असातिज़ा को बेहतर बनाना होगा, उनको प्रोफेशनली ट्रेन करना होगा। तो लिहाजा इस चैनल में मैं का जो मेरा महवर होगा वो ये होगा कि किस तरह से हम अच्छे असातिज़ा पैदा कर सकते हैं, क्या क्या खुसियात होंगी जो एक अच्छा उस्ताद पैदा कर सकता है। जब अच्छा उस्ताद होगा तो वो तालिबे इल्म की दिलचस्पी पैदा करेगा। तालिबे इल्म की दिलचस्पी पैदा होने के बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम टीचिंग बेहतर होगी। क्लासरूम टीचिंग बेहतर होने के बाद वही तालिबे इल्म जब माशरे में जाएंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। वही अच्छे इंसान टीचर भी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे। तो लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम टीचर के ऊपर काम करें और टीचर को इतना ट्रेन कर दें, वो अपने प्रोफेशन को इतना मुकद्दस समझने लगे और जो कमिटेड लोग हों वही इसमें, इस प्रोफेशन में आए। तो इस तरह से हम अपने माशरे की हालत को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।